बिहार के कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर थाना क्षेत्र के लीली ग्राम निवास सीआरपीएफ जवान शेख नाथ तिवारी उर्फ योगेंद्र तिवारी का निधन 25 वर्ष की अवस्था में ब्रेन ट्यूमर के कारण हो गया। बताया जा रहा है कि उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, जो कि इलाज के क्रम में 9 बजे उनका निधन हो गया। जानकारी के अनुसार 26 जून को ड्यूटी के दौरान अचानक उनका तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के क्रम में ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा बताया। बेहतर इलाज हेतु सीआरपीएफ जवान को दिल्ली लाया गया। 28 जून को दिल्ली अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। उसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहे थे कि अचानक 8 जुलाई को उन्होंने फोन पर बात करते हुए अपने परिजनों से कहा कि मैं ठीक होकर जल्द घर आऊँगा। सीआरपीएफ जवान शेषनाथ तिवारी की दोबारा अचानक तबियत खराब होने के चलते शनिवार की रात्रि 9 बजे उनका निधन हो गया। जैसे ही निधन की दुखद खबर गाँव व परिजनों को मिला तो सारे लोग स्तब्ध रह गए और शोक का लहर पूरे इलाके में छा गया। उनके भाई बताते हैं कि वे काफ़ी मिलनसार स्वभाव के थे। वे गांव के सभी लोगों से कुशल व्यवहार हमेशा किया करते थे। उनके आकस्मिक निधन से पूरा गांव शोक के लहर में डूबा हुआ है। मैं ब्यूरो चीफ के हवाले से आई रिपोर्ट, कैमूर संवाददाता विकास कुमार। We'll be right back.